माय न्यू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस, आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ व्लॉग शूट करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जो है सनलाइट अच्छी होती है, तो इसलिए मैं उठ गई हूँ। और गाइस, मैं आज का जो व्लॉग है ना, उसमें एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नहाने, नहाने के बाद मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। नहा लिया और देखिए गाइस, कितना फ्रेश लग रही हूँ ना, और फ्रेश फील भी कर रही हूँ। तो चलिए गाइस, अब किचन में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज सुबह सुबह उठी थी, सोची थी कि सनलाइट में वीडियो बनाऊंगी, पर बाहर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पूरा अंधेरा छा गया है। पर कोई बात नहीं, अभी ठीक ठाक ही आ रहा है, काम चल जाएगा इतने से। और गाइस, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वैसे आज क्या रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो मैं शीर खुरमा बनाने वाली हूँ। वैसे ये गाइस स्पेशली ईद के टाइम में ही मैं बनाती हूँ, पर मैंने सोचा कि जब भी अगर बनाऊँगी व्लॉग रेसिपी वाली, तो मैं सबसे पहले आप लोगों से शीर खुरमा की रेसिपी ही शेयर करना चाहूँगी। तो गाइस, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसे कैसे मैं बनाती हूँ। वैसे काफ़ी सिंपल है ये, पर अगर आप अच्छे से इसको बनाते हो तो ये और भी टेस्टी बनता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं वैसे कुछ भी बोले जा रही हूँ, एक्साइटमेंट इतना है ना बनाने का। कर दिया है तो सबसे पहले मैं ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, इसमें है काजू, किशमिश, आलमंड्स, छुहारे, चिरौंजी, पिस्ता। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स है जो जो मुझे अच्छे लगते हैं, वो मैंने सब कट कर लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़े लो फ्लेम में फ्राई करना है। मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाऊंगी। तो ये रहा घी, तो इसको घी में फ्राई करेंगे। मैं आप लोगों को बैक कैमरा से सब दिखाऊंगी। चलो मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगी। तो गाइस, लग रहा है घी में थोड़ा सा पानी चल गया है और ये फटफट उड़ने लगा। शेट, मेरे को सबसे ज्यादा डर यही लगता है यार कि तेल या घी में अगर पानी गया ना तो पता नहीं क्या हो जाता है। तो गाइस, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम में डाल देंगे। थोड़ा लो फ्लेम कर लेते हैं, नहीं तो सारा जल जाएगा। तो गाइस, इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, हल्का हल्का बस ब्राउन रखना है। पता नहीं इतना उड़ क्यों रहा है यार। तो गाइस, इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस ये अब हम निकाल लेते हैं इसको, नहीं तो ये हो जाएगा ब्लैक। गाइस, ये जो घी बच गया है अब इसमें फ्राई करेंगे सिवई। ये रहा, मेरे को काफी प्रॉब्लम हो रहा है एक हाथ से फोन पकड़ने में और एक हाथ से। कोई बात नहीं, फिर भी मैं कर लूंगी। गाइस, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपको लो फ्लेम में ही इसको फ्राई करना है, वरना ये ना जल जाएगा गाइस। तो इसलिए इसको ना ध्यान से हम फ्राई करेंगे। एक बार जब फर्स्ट टाइम मैंने बनाना, ध्यान रखती हूँ अभी ना, एकदम मैं कम करके ही बनाती हूँ। तो ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। तो गाइस, ये भून गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे, वरना ये थोड़ा देर और रखे तो ये जल जाएगा। देख सकते हो कलर इसका एकदम ब्राउन ब्राउन आया है, तो मैं इसको गाइस, ड्राई फ्रूट्स और सिवाई फ्राई हो चुकी है, अब बारी है मिल्क की। तो मैंने ये मिल्क ले लिया है। अगर आप शेर खुरमा बना रहे हो गाइस, तो आपको क्रीमी, फुल क्रीमी मिल्क ही यूज़ करना है। ये अगर फुल क्रीमी मिल्क यूज़ करोगे तो ये अच्छा होता है। ये भी मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाऊंगी, डोंट वरी। पहले मैं निकाल लूं। ये
तो गाइस मैं व्लॉग बनाने में एक्सपर्ट तो बिल्कुल नहीं हूँ, पर जैसा भी आता है मुझे मैं बोल लेती हूँ, बना लेती हूँ। तो गाइस प्लीज आप लोग मजाक मेरा मत उड़ाना। गाइस मिल्क कट करके डालने में मेरे से थोड़ा सा गिर गया है, तो मैं थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। किचन में अक्सर मेरे साथ ये दुर्घटना पता नहीं क्यों घटती है। दूध उबालने में, दूध को डालने में हमेशा मेरे से पता नहीं क्यों ये मिस्टेक होता है, गिरते रहता है। कोई बात नहीं, मैंने क्लीन कर लिया। ओके तो अभी मिल्क, सो गाइस अभी मिल्क को बॉईल होने का वेट कर रहे हैं। ये बॉईल हो जाएगा उसके बाद इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, जिससे फ्लेवर और खुशबू दोनों आएगी अच्छी। सो गाइज मिल्क बॉयल हो चुकी है, अब डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। तो मैंने इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर ली है, ये डाल देते हैं अभी। डालने के बाद इसको चलाएंगे हम। वाओ इलायची डालते बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सो गाइस अब डालेंगे इसमें सैफरन। तो ये इसमें मैंने थोड़ा सा सैफरन ले लिया है। तो गाइस बहुत लोग सैफरन को लोग ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे नहीं डालती। मैं इसमें थोड़ा मिल्क डालूंगी, फिर इसको थोड़ा मिक्स करूंगी एंड देन फिर इसमें डालूंगी। तो इसमें थोड़ा सा मिल्क लेते हैं, ये रहा मिल्क और स्पून तो मेरे को दिख नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, मिल रहा और फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद मिल्क में डालेंगे। अब डाल देते हैं। इससे क्या है ना, सैफ्रॉन से कलर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत अच्छा कलर आता है। मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से आप लोगों को। तो गाइस देखो ये रहा। तो गाइस इसको ना मिक्स करते रहेंगे, तो ये चिपकते रहेगा। तो गाइस कुछ देर तक मैंने ये बॉईल कर लिया है, अब डाल देते हैं सेवई और ड्राई फ्रूट्स, नहीं तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी डाल देती हूँ। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब ये फ्राई की हुई सेवैया इसमें डालनी है। और इसको हम 5 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देंगे।
तो गाइस 5-6 मिनट कुक करने के बाद इसमें डालेंगे अब कंडेंस मिल्क, और आप चाहो तो शुगर भी डाल सकते हो। फिलहाल मैं शुगर नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, और जितना आपको मीठा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। तो मैं मीठा तो बहुत कम खाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पता नहीं बनी कैसी होगी। सो गाइस देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आया है, और ये बस अब रेडी होने वाला ही है। थोड़ी देर और इसको कुक करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको जितनी गाड़ी रखनी है आप तो रख सकते हो अपने हिसाब से, अगर आप गाड़ी खाते हो तो ज़्यादा गाड़ी ही रखो। तो गाइस ये बन गया फाइनली, अब मैं सबको टेस्ट कराऊंगी, और पता नहीं कैसा बना है, बट मुझे तो काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है, अब खाने में पता नहीं कैसा होगा। तो मैं इसको अभी थोड़ी देर बाद निकालूंगी, अभी फिलहाल ढक के रख देती हूँ। तो गाइस मैंने सबसे पहले इसको दिया है, तो देखते हैं ये ट्राई करके इसको कैसा लगता है। स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है, देखते हैं कैसा है। कैसा है, मुंह ऐसा बना रहा है जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसका तारीफ हो गया मेरा, एक वाइड में ही बोल रहा है बहुत अच्छा है। ठीक है गाइस, अच्छा बना है। आप लोग रेसिपी को फॉलो करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तेरा बात कोई नहीं सुन, लाइक जरूर। तो गाइस उसको तो काफी अच्छा लगा, और अभी आफिया ट्राई करेगी, उसके बाद मैं लास्ट में करूंगी। तो अभी आफिया को कुछ देर के बाद दूंगी, अभी ये खाना खाई है इसलिए अभी इसके पेट में जगह नहीं है, तो बाद में। बहुत जगह है। अच्छा जगह, मैं ब्लॉग बनाने के लिए कुछ भी बोले जा रही हूँ। ठीक है, हम लेके आ रहे हैं तुम्हारे। गाइस अब आप ये ट्राई कर रही है, और ये बताइए कैसा लग रहा है, कैसा है? गरम। अरे टेस्ट कैसा, अच्छा या खराब? और एक बार, और एक बार, मतलब फर्स्ट बार में नहीं समझ में आया। अच्छा है, थोड़ा सा ठीक है ना? थोड़ा सा, थोड़ा ठीक है, तुमने तारीफ नहीं किया। अभी खाना खाई हूँ ना, पेट भरा हुआ है इसे तुमको? नहीं पेट नहीं भरा हुआ है, पेट ऑलरेडी। अच्छा अच्छा है ना, और एक बार तारीफ कर दो। सो गाइस घर में सब ने ट्राई कर लिया और सब कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा बना है, सब कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट टाइम इतना अच्छा कुछ बनाई हूँ, सब काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब मैं चलो ट्राई करके देखती हूँ कि सच में ही अच्छा बना है या फिर सब ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ। सच में गाइस मुझे भी लग रहा है ये मैंने नहीं बनाया है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो ये सच में काफ़ी अच्छा बना है। तो गाइस आज का कैसा लगा ब्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट मैं कौन सी रेसिपी वाली वीडियो बनाऊँ। और बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।